मम्मा हो गया, इधर आके दिखा। अपनी आंखों से देख, सिलाई सही हुआ क्या? सारे टुकड़े ध्यान से सिलाई करना है। ठीक है मम्मा। शुरू से। क्यों मम्मा? अरे बेटा, इस काम को ना कारीगर की नहीं कलाकार की आंखों से देखनी चाहिए। अरे सुन, वो 3:2 याद रखना, उसमें एक सूता धागा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मा। मम्मा, फिर से गलती कर दी। बाएं हाथ से 1 से 24 गिन और दाएं हाथ से खींच के पकड़ कपड़े को, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो जाए। चल आंखों में पानी छिड़क और चालू हो जा फिर से बेटा। सही से करेगी तो खाना मिल जाएगा जल्दी से। सुनो जी, कल सुबह कर सकती है, आज रात भी बहुत हुई है। रात ही तो हुई है, रात खत्म तो नहीं हुई। मम्मा आज तो खाना बहुत ही अच्छा। एक साइड खत्म हो गया है तो दूसरी साइड खत्म करके ही सोना। गिनती गलत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। माँ, मैं अभी तक आपकी तरह कारीगर नहीं बन पाई, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं भी परफेक्ट कारीगर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। जैसे आप सोचती हैं, मैं भी वैसी सोचती हूँ। देश का नाम और देश के काम पे गर्व मुझे भी है माँ। पूरी रात पापा के साथ बैठ के ये फ्लैग मैंने बनाया है। गलती होगा शायद, लेकिन दिल में जज्बा आप ही की तरह है कि इंडिया का तिरंगा परफेक्ट बनाएंगे। स्टिचिंग हो, रेशियो हो, डाइंग हो, मैं सब परफेक्ट करूंगी माँ, बस थोड़ा समय दो। कर्नाटका में बंगेरी की कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत की एकमात्र संस्था है जिसको भारत सरकार हमारी तिरंगा बनाने की अनुमति देती है। इस संस्था को संपूर्ण रूप से चलाने का काम संभालती हैं ऐसी कुछ महिलाएं जो आती हैं 3 घरों से। सिर्फ इन्हीं पे वो तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी बनती है जो शान से लहराती है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अधिकारियों के दफ्तर में। ISI की पहचान इस संस्थे को इन तिरंगों के सारे भारत में बेचने का अधिकार देती है। हर एक तिरंगा BIS के दिए हुए निर्देशों पर पूरी तरह से आधारित है। आकार, प्रकार, धागे की मजबूती या रंग में जरा सी चूक भी बनाने वाले को जेल में डाल सकती है। 9 नापों में बनने वाली ये तिरंगे 3:2 का अनुपात मानते हैं। 18 स्तरों के गुणवत्ता नियंत्रण होते हैं हर एक तिरंगे की। इस प्रक्रिया के 6 धाप होते हैं: कटाई, बुनाई, श्वेतन, रंजन, चक्र मुद्रण, सिलाई, टॉगलिंग। खादी का बना हुआ सूती, रेशम या वुल ही इस्तेमाल होता है। 2 तरह की खादी इस्तेमाल होती है: खादी बंटिंग तिरंगे के लिए और खादी डक कपड़े को खूंटी से बांधने के लिए। खादी डक के लिए 150 सूता होनी चाहिए प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 सूता प्रति इंच और वजन 205 ग्राम प्रति स्क्वायर फुट। BIS द्वारा कपड़े की जांच के बाद ही उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको फिर भगवा, सफेद और हरा रंग किया जाता है।
सफेद भाग के दोनों तरफ अशोक चक्र इस तरह से छापा जाता है कि 24 स्पोक्स का संकलन हो। भगवा सफेद और हरे कपड़ों के तीन टुकड़ों को विनिर्देश के अनुसार सिया जाता है, इस्त्री किया जाता है और बांधा जाता है। उसके बाद BIS उसको फिर एक बार जांचती है और उनके हाँ भरने के बाद ही उन तिरंगों को बेचने की अनुमति मिलती है। तिरंगे की तरफ ये बेमिसाल निष्ठा और निपुणता के प्रति नजर की वजह से ही इन्हीं महिलाओं के ऊपर हमारी तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी आज भी बरकरार है। श्याम स्टील सलाम करते हैं ऐसे माओं को जो देश का गर्व अटूट रखने के लिए अपने बच्चों को बनाते हैं हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।